हाय फ्रेंड्स, हर सोल हर बॉडी के लिए एक आर्कएंजल है, एक एंजल है। और जब एंजल्स हमारे आसपास रहते हैं तो हमारी विशेज़ को मैनिफेस्ट होने में भी टाइम नहीं लगता, हम बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। एज वेल एज़ जो भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जो भी इच्छाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इतनी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, राइट? सो आर्कएंजल्स का हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा हमारे साथ हैं। लेकिन जब हम किसी को पुकारते हैं, जब डिवाइन एनर्जीज़ को हम आवाज़ देते हैं, तो वो और भी जल्दी और ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हर दिन की शुरुआत अगर हम अपने अपने एंजल्स के प्रेयर से करें, या फिर उनको पुकार के करें, या उनका नाम लेके करें, तो भी हम बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमारे लिए हर रास्ता आसान बनता है। चीज़ों का आसान रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी काम कर रहे हैं, काम में अड़चन आ रही है, कभी कभी क्या होता है, हम सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए आप कोई फॉर्म फिल करने गए हैं एंड लाइन इतनी लंबी है और आपको बिल्कुल लास्ट में आप लगे हुए हो, ओके? सो इस तरह का भी चीज़ें हो जाती है, तो एकदम से अचानक क्या होता है, सब चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। आप गए, सब कुछ बहुत कोई भीड़ नहीं था, आपका काम हो गया, राइट? सो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं जब एंजल्स हमारे साथ होते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बहुत सेफ रखते हैं, रास्ते हमारे लिए आसान बना देते हैं, ओके? सो आर्कएंजल्स का, एंजल्स का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारे अपने आर्कएंजल्स कौन से हैं, क्योंकि इतने सारे आर्कएंजल्स हैं, ओके? ऑलमोस्ट जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, 12 आर्कएंजल्स तो हैं ही, जिनके नाम हम जानते भी हैं, कुछ कुछ के जानते हैं, कुछ कुछ के नहीं भी जानते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता चले श्योरिटी के साथ कि हमारे खुद के सोल के लिए कौन से आर्कएंजल हैं, तो सिर्फ हम उनको ही आवाज़ दें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आज वही इस वीडियो में करने जा रही हूँ मैं आप लोगों को, आपके लिए कौन से आर्कएंजल हैं, आपके स्पेसिफिकली आपके लिए कौन कौन से नाम हैं, किनको आप पुकार सकते हो, किनको आवाज़ दे सकते हो, मॉर्निंग में उठ के किनकी प्रेयर कर सकते हो, आप कहीं लाइफ में फंस गए हो, किसी प्रॉब्लम में घिरे हुए हो, तो उस टाइम पे किसको आवाज़ दे सकते हो, कौन आपके साथ आके तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा आपके लिए और आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, वो सब चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ। सो ये बर्थ डेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि बर्थ डेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से आर्कएंजल्स किसके किसके हैं। तो आप लोग अपने अपने बर्थ डेट देख सकते हैं, एक मैं पूरा एक स्पैन दूंगी, इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये आर्कएंजल हैं, ओके? सो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अपने आर्कएंजल्स जान सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आते हैं, सबसे पहले हैं हमारे मार्च 21 से लेके अप्रैल 20 तक जिनके बर्थडे आते हैं, ओके? मतलब मार्च 21 से अप्रैल 20 तक जिसके बर्थडे आते हैं, उनके आर्कएंजल का नाम है आर्कएंजल एरियल, ठीक है? नाउ अप्रैल 21 से लेके मई 21 तक जो आर्कएंजल हैं, आई मीन टू से जो इनके बर्थडेज हैं, जिनके भी इस डेट के बीच में जिनके बर्थडेज आते हैं, अप्रैल 21 से लेके मई 21 तक, उनके लिए हैं आर्कएंजल चेमियोल। आपके जो गार्डियन एंजल हैं वो है आर्कएंजल चेमियोल। नाउ मई 22 से लेके जून 21 तक जिनके डेट्स आते हैं, बर्थडेज आते हैं, उनके आर्कएंजल हैं आर्कएंजल ज़ेडगेल, ठीक है? तो आप आर्कएंजल ज़ेडगेल को कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अब जून 22 से लेके जुलाई 23 तक जिनके बर्थडेज आते हैं इन दिनों के बीच में, उनके जो आर्कएंजल हैं वो है आर्कएंजल गब्रेल। आप आर्कएंजल गब्रेल को ऑलवेज कॉल कर सकते हैं बाय नेम, ओके? नाउ जुलाई 24 से लेके अगस्त 23 तक जिनके उनके आर्कएंजल का नाम है आर्कएंजल राजेल, ठीक है? सो आर्कएंजल राजेल को आप कॉल कर सकते हैं। अगस्त 24 से सितंबर 23 तक इस दिनों के बीच में जिसके बर्थडेज आते हैं, उनके आर्कएंजल का नाम है आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके? नाउ सितंबर 24 से अक्टूबर 23 के बीच में जो भी बर्थडेज आते हैं, उनके आर्कएंजल हैं आर्कएंजल ज़ोफेल। आप आर्कएंजल ज़ोफेल को कॉल कर सकते हैं। नाउ अक्टूबर 24 से लेके नवंबर 22 तक जिनके बर्थडेज आते हैं, वो आर्कएंजल जेरेमेल को कॉल कर सकते हैं, ओके? जेरेमेल बोल सकते हैं, आप जेरेमेल को कॉल कर सकते हैं। नाउ नवंबर 23 से लेके दिसंबर 22 तक इन डेज के बीच में जिसके भी बर्थडेज आते हैं, वो उनके आर्कएंजल हैं आर्कएंजल रैग्यूएल, ओके? सो आर्कएंजल रैग्यूएल को आप लोग कॉल कर सकते हैं दिसंबर 22
23 से लेके जनवरी 20 के बीच में जिसके बर्थडेज आते हैं उनके आर्केंजल का नाम है आर्केंजल अज़राइल। ओके, सो आपके आर्केंजल हैं, गार्डियन आर्केंजल, गार्डियन एंजल हैं अज़राइल, आर्केंजल अज़राइल, आप इनको कॉल कर सकते हैं। जनवरी 21 से फरवरी 19 के बीच में जिनके भी बर्थडेज आते हैं वो आर्केंजल यूरियल है उनके लिए, आर्केंजल यूरियल। फरवरी 20 से लेके मार्च 20 तक के बीच में जिसके भी बर्थडेज आते हैं उनके आर्केंजल का नाम है आर्केंजल सैंडलफोन। ओके, आर्केंजल सैंडलफोन। सो ये 12 आर्केंजल्स हैं जो आपके बर्थडेज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि कौन से बर्थडे वाले किस मंथ में किसका जो बर्थडे आ रहा है, ये डेट्स मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपके आपके गार्डियन एंजल्स हैं। नाउ आप लोग मॉर्निंग में जब उठ के अपना दिन शुरू करते हैं तो अपने अपने गार्डियन एंजल्स को, आर्क एंजल्स को आप लोग सिर्फ इतना प्रे कर सकते हैं नाम लेके। सपोज अगर गार्डन चैम्यूल की बात हो रही है, गार्डियन आर्क एंजल चैम्यूल की बात हो रही है, तो सिर्फ इतना भी बोलोगे आप लोग मॉर्निंग में उठ के, आर्क एंजल चैम्यूल प्लीज़ बी विथ मी टुडे, कीप मी इन योर गाइडेंस। ओके, एंड यस, एक छोटा सा प्रेयर लाइक कि आप मेरे साथ रहिए, मुझे प्रोटेक्ट करके रखिएगा, राइट, मेरे लिए चीज़ों को, रास्तों को आसान बनाइएगा। इस तरह की छोटी सी प्रेयर के साथ भी अगर आप अपना दिन अपने आर्केंजल्स के साथ शुरू करते हैं, अपने एंजल्स के साथ आप बाहर निकलते हैं, आप फील करोगे कभी भी आपका कोई अमंगल नहीं होगा, कोई भी ऐसा ऑल ऑफ अ सडन जो अनसर्टेनिटीज लाइफ में एकदम से दिखती हैं आ जाती हैं वो कभी नहीं आएंगी आपके साथ। ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं आप लोगों को एंजल्स, बहुत बहुत मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को, हमारे गार्डियन एंजल्स। एंड ये आर्क एंजल्स वैसे भी भगवान के बिल्कुल आसपास होते हैं, इसलिए हम इनको इतना प्रे करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रेयर जब आप आर्क एंजल्स से बोलते हैं तो ये माना जाता है कि आर्क एंजल्स क्योंकि गॉड के बिल्कुल निकट हैं, बिल्कुल पास हैं, तो तुरंत हमारी प्रेयर्स वो गॉड के पास पहुँचा देते हैं। एंड यस, जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, कोई हर्डल है, कोई मुश्किल है, कोई प्रेयर है, कोई विश है, वो तुरंत मैनिफेस्ट होती है, राइट, एंड चीज़ें आसान होती हैं, हम बड़े प्रोटेक्टेड रहते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद प्रोटेक्टेड रहें, तो प्रोटेक्टेड रहने के लिए हमारे आर्केंजल्स का हमेशा हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। सो आप लोग ये कर सकते हो, रात में सोने से पहले भी अपने आर्केंजल्स को ग्रैटिट्यूड देके थैंक यू बोल के सोइए। क्यों? क्योंकि आपने मॉर्निंग में उनसे प्रे किया था कि वो आपके साथ रहें, आपको ब्लेस करके रखें, आपके लिए चीज़ें आसान बना के रखें, अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो आपने उनको कॉल किया होगा, राइट। सो यू कॉलिंग एवरी टाइम योर गार्डियन एंजल्स, आपके एंजल्स को आप बुला रहे हो, सारे दिन उन्होंने आपके लिए काम किया, सारे दिन वो आपके साथ फ्लाई कर रहे थे। आप वो फील करोगे जब आप इस चीज़ को बोलना शुरू करोगे, हर दिन अपने आर्केंजल्स को कॉल करके अपने साथ आप फील करोगे, आपको लगेगा कि एक बहुत हाई एनर्जी कोई मेरे साथ चल रही है, मेरे साथ है, मेरे सर पे है, प्रोटेक्टेड हूँ मैं, ऐसा फील करोगे आप। रात में सोने से ठीक पहले आप इनको थैंक यू बोल के सोइए, भूलिएगा नहीं। वाई? बिकॉज दे आर वर्किंग एवरी टाइम फॉर यू। नाउ ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, इनको थैंक यू बोलिए, ग्रेटफुल होइए और फिर आप सोइए, ताकि मॉर्निंग में अगेन वो उसी जोश के साथ आपके साथ फिर से रहें, आपको फिर से प्रोटेक्ट करके रखें, आपके लिए राहें आसान करें, आपके लिए ज़िंदगी आसान करें, आपकी फैमिली में वो हार्मनी बना के रखें, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके गार्डियन एंजल्स को आप मॉर्निंग में प्रे करके निकलो, दिन में कहीं कोई अड़चन, कोई परेशानी में फंसे हो, अपने गार्डियन एंजल्स का नाम लो, उनको कॉल करो, आप तुरंत मैजिक देखोगे, दिस इज़ रियली मैजिकल। अच्छा, मैंने ऑलरेडी गार्डियन एंजल्स के, आर्क एंजल्स के प्रेयर डालने शुरू कर दिए हैं। एक मैंने अभी आर्क एंजल चैम्यूल का प्रेयर डाला था जो लव रिलेशनशिप के लिए है। अब इसी तरह से जितने भी बाकी आर्क एंजल्स हैं उनके प्रेयर्स मैं एक एक करके डाल दूंगी, तो आपके जो आर्क एंजल्स हैं आप चाहें तो वही प्रेयर आप मॉर्निंग में करके निकल सकते हैं घर से, या आप कहीं पे भी लाइफ में किसी भी वक्त किसी भी टाइम दिन में कहीं पे भी फंस गए, ऑफिस हो, घर हो, कोई भी जगह आप फंस गए किसी प्रॉब्लम में, आप वो प्रेयर तुरंत, आप चाहो तो मेरे चैनल पे आके प्रेयर निकाल लो, प्रेयर निकाल करके तुरंत उसको प्रेयर को कर लो, आप वो प्रेयर करने के तुरंत बाद ही आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व होते हुए देखोगे, उस सिचुएशन को जो बहुत स्टिफ बनी हुई है उसको ईजी होते हुए देखोगे। ओके, सो हर आर्क एंजल का प्रेयर मैं अभी धीरे धीरे अपलोड करने वाली हूँ, चैम्यूल का ऑलरेडी देयर है, अभी मैं नेक्स्ट जितने भी आर्क एंजल्स बचे हैं उन सबके प्रेयर अपलोड कर दूंगी। और आप लोग अपने अपने आर्क एंजल्स को हमेशा एक्टिव रखिए, उनके प्रेयर्स कीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, मॉर्निंग में उनका नाम लेके चलिए, दिन में जब भी प्रॉब्लम आती है उनका नाम लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज,
थैंक यू सो मच, एंड यस आपके आर्क एंजल्स आपके साथ रहें, प्रोटेक्टेड रखें आप लोगों के लिए, लाइफ ईजी रहे आपकी, एंड आप लोगों की जो भी विशेज़ हैं वो सब मैनिफेस्ट हो. इसके साथ साथ आप लोग अपने सेल्फ लव में हाई रहें, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.